जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे पी नाम वाले लोगों के बारे में, यानी जिनका नाम अंग्रेजी के पी अक्षर से शुरू होता है, उनको वर्ष 2023 में प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध में क्या परिणाम मिलेंगे, यानी कि पी नाम वाले लोगों के वर्ष 2023 के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों शुरू करते हैं। पी नाम वाले लोगों को वर्ष 2023 में प्रेम संबंधों में मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। अप्रैल तक का समय आपको प्रेम संबंधों में अच्छे परिणाम दिखाएगा और अप्रैल के जो बाद का समय है वहां पर छोटी छोटी बातों को लेकर आप दोनों आपस में झगड़ते हुए नजर आएंगे। इसलिए ध्यान रखकर चलें कि पूरे वर्ष आपके प्रेम संबंधों में अप एंड डाउन की स्थितियाँ देखने को मिलेंगी। इस वर्ष प्रेम संबंधों में उतने अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे जितने आप चाहते हैं, इसलिए आप ध्यान रखें कि आप थोड़ा सा धैर्य और संयम का परिचय दें और अपने साथी के साथ भरोसा कायम रखें। इस बात का ध्यान रखकर चलें और एक दूसरे के साथ अगर कोई भी वाद विवाद होता है तो उसको स्पष्टता से सुलझाएं, इस बात का भी ध्यान रखें। अगर आप सिंगल हैं, साथी की तलाश में हैं, किसी से मित्रता करना चाहते हैं तो वहाँ पर अप्रैल तक का समय ज़्यादा बेहतर है। हालांकि इस वर्ष आपको साथी की तलाश पूरी हो सकती है और आप अपने कोई भी मित्रवत संबंध प्रेम संबंधों में बदल सकते हैं या फिर किसी से मित्रता का हाथ बढ़ा सकते हैं और वहाँ पर आपको सफलता मिल सकती है। तो इस बात का ध्यान रखकर चलें कि आप अपने साथी के साथ रिश्तों में ईमानदारी बहुत जरूरी है इस वर्ष, इस बात का ध्यान रखेंगे, नहीं तो फिर प्रेम संबंधों में संघर्ष देखने को मिलेगा। अगर आपके प्रेम संबंध पहले से हैं और आप अपने प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं तो ध्यान रखें अपने साथी को मनाते वक्त, अपने परिवार को मनाते वक्त गलत फहमियाँ ज़्यादा ना बढ़ने दें, इस बात का ध्यान रखें, वरना फिर आपकी बातचीत नहीं बन पाएगी क्योंकि इस वर्ष आपके अंदर तनाव भी देखने को मिलेगा और गलत फहमियाँ देखने को मिलेंगी। वाणी पर नियंत्रण बहुत ही आवश्यक रखना होगा, इस बात का ध्यान रखें और कोई भी समस्या होती है तो आपस में ही बात करके हर तरह की समस्या का समाधान करें तो अच्छा होगा, किसी तीसरे व्यक्ति को बीच में लाना अच्छा नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखें। वैवाहिक संबंधों में आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, खासकर अप्रैल तक का समय ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखाएगा। आप एक अच्छे जीवन साथी साबित हो सकते हैं, इस वर्ष आपके साथी के साथ संबंध अच्छे रहेंगे और आप दोनों एक दूसरे के साथ संबंधों में मधुरता भी दिखाएंगे। ध्यान रहे इस वर्ष अप्रैल के बाद का ऐसा समय होगा जब छोटी छोटी बातों पर आप एक दूसरे से बहस कर सकते हैं और इससे आपके रिश्ते पर बुरा असर पड़ सकता है, इस बात का ध्यान रखें, और आपका रिश्ता बिगड़ सकता है, इसलिए इस बात का ध्यान रखकर बहुत ही चलना है। और वर्ष के जो अंतिम दो महीने हैं वहाँ पर आपको अपने जीवन साथी के साथ संबंधों में काफ़ी धैर्य और संयम का परिचय देना है, वहाँ पर आपके वाद विवाद बहुत जल्दी हो सकते हैं। इस वर्ष प्रेम संबंधों में आपका साथी आपसे बहुत ही ईमानदारी की बात करेगा, बहुत ही सच्चाई की बात करेगा और अगर आपके प्रेम संबंध एक से ज़्यादा जगह हैं तो वो प्रेम संबंध आपके पता चल सकते हैं, इस बात का ध्यान रखकर चलें। और अगर प्रेम संबंधों में कोई भी वाद विवाद चल रहा है तो उसको अप्रैल तक सुलझाने का प्रयास करेंगे तो ज़्यादा बेहतर परिणाम मिलेंगे। और वैवाहिक संबंधों में जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए कोई ना कोई रिश्ता इस वर्ष आ सकता है और उनकी साथी की तलाश पूरी हो सकती है, यानी कि उनको मनपसंद साथी मिल सकता है। और जिन लोगों की शादी की बात कुछ बातों को लेकर अटकी हुई है, यानी कि शादी की बात चल रही है और कुछ बातें ऐसी हैं जिनके चलते अभी बातचीत पक्की नहीं हुई है, तो वो लोग अप्रैल से पहले प्रयास करेंगे तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, वहाँ पर परिणाम ज़्यादा अच्छे देखने को मिल सकते हैं और आपकी शादी की बात भी पक्की हो सकती है। तो अगर आपके वैवाहिक जीवन में भी कोई वाद विवाद चल रहा है तो आप इस वर्ष उसे समाप्त कर सकते हैं और आप प्रयास करें कि इन वाद विवादों को अप्रैल से पहले ही सुलझा लें तो ज़्यादा बेहतर होगा और वाणी पर संयम रखें तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो कुछ इस तरह के परिणाम वैवाहिक संबंधों में और प्रेम संबंधों में पी नाम वाले लोगों को वर्ष 2023 में मिल सकते हैं। तो मित्रों आज मैंने आपसे पी नाम वाले लोगों के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के वर्ष 2023 के राशिफल के बारे में बहुत ही संक्षिप्त रूप में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।